नमस्कार दोस्तों, रंजना वेजफूड चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी, ऐसा करती हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से एक अच्छी सी रेसिपी बनाने वाली हूँ और रेसिपी में आज जो बनाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी बनने वाला है। तो आज मैं बनाऊँगी सूजी का पकौड़े। और सूजी का पकौड़ा मैं किस तरह से बनाऊँगी, कैसे बनाऊँगी, ये तो आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। चूल्हा के पास और आप लोगों को सूजी का पकौड़ा बना करके दिखाऊंगी। के पास मैं अपने आ चुकी हूं और आइए आप लोगों को मैं दिखा देती हूं कि पकौड़ी बनाने के लिए हमने सामग्री में क्या क्या लिया हुआ है। तो ये हमने लिया हुआ है सूजी, और ये है दही, और ये है प्याज। प्याज दो प्याज हमने इसको बारीक कट कर दिया है। दो हरा मिर्च है, इसको भी हमने कट कर लिया है। और ये तीन चार लहसुन की कलियाँ, इनको हमने इसको बो कर इसका पेस्ट बना दिया है। और ये है अदरक, अदरक का भी हमने पेस्ट बना दिया है। एक कटोरी है बेसन, और एक चम्मच गरम मसाला है, और एक चम्मच ये खड़ा सरसों है, एक चम्मच जीरा है। और लाल मिर्च पाउडर हमने लिया हुआ है आधा चम्मच, क्योंकि हमने हरा मिर्च लिया है। और नमक लिया हुआ है स्वाद के अनुसार। पहले हमने लिया हुआ एक भगोना, और इस भगोना में अब मैं सूजी डालूँगी। सूजी डालने के बाद मैं इसमें बेसन डालूंगी, आप लोग चाहे तो मैदा भी डाल सकते हैं। इसमें प्याज डालूंगी और ये लहसुन और अदरक, हरी मिर्च, और ये गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर। तो इन सबको डालने के बाद अब मैं इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दूंगी। और अब मैं इसमें दही डालूंगी। दही मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि पकौड़ी बना रही हूँ तो थोड़ा सा खट्टा मीठा अच्छा लगेगा। और अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी हाथों से। तो दही को मैं अच्छी तरह से हाथों से मिलाऊंगी। मिलाने के बाद अब मैं इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, और पानी डालने के बाद भी मैं अच्छी तरह से हाथ से मिलाऊंगी। सब सामग्री को हमने अच्छी तरह से मिला दिया है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से मिल चुका है। तो अब मैं इसको थोड़ा थाली से ढक देती हूँ। अब मैं चल रही हूँ चूल्हा में आग जलाने। आग हमारी अच्छी तरह से जल रही है, और अब मैं चूल्हा पे कढ़ाई रखूंगी। कढ़ाई में डालूंगी सरसों का तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालूंगी जीरा। जीरा छिटक रहा है, अब डालूंगी सरसों। तो सरसों और जीरा हमारा अच्छी तरह से पक चुका है, तो इनको निकाल करके मैं कलछुल से इसमें डालूंगी। अब मैं इनको अच्छी तरह से मिलाऊंगी। तो सरसों और जीरा को हमने अच्छी तरह से मिला दिया है। अब मैं 10 मिनट के लिए इसको थाली से ढककर रखूंगी ताकि सूजी हमारी अच्छी तरह से फूल जाए। पकौड़ी बनाने के लिए मैं रिफाइंड का तेल डाल रही हूँ कढ़ाई में। मिनट हो गया है, ये देखिए सूजी अच्छी तरह से फूल चुकी है। तो अब मैं चलूंगी पकौड़ी बनाने। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं पकौड़ी बनाना शुरू करती हूँ। तो इस तरह से मैं पहले पकौड़ी बनाऊंगी। तेल हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गर्म है। तो अब मैं इनको कलछुल से पलटूंगी। पकौड़ी हमारी बहुत अच्छी से कलर आ चुका है, देखिए बहुत कितना अच्छा लगने लगा है। तो अभी इनको हम और पकाएंगे। बहुत ही अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा कलर आया हुआ है इसमें।
बहुत ज़्यादा कुरकुरी बनी हुई है, तो इनको मैं निकाल करके एक थाली में रख लूँगी, इस तरह से कर दूँगी ताकि एक्स्ट्रा जो तेल है वो निकल जाए, और इनको थाली में ले लूँगी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एक बार भी पकौड़ी में बना लूँगी उसी तरह से। इनको भी मैं थोड़ा पलट दूंगी, इनको मैं अच्छी तरह से ऐसे पलटती रहूंगी ताकि ये बराबर अच्छी तरह से अंदर तक पक सके। ये अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है, तो इसको भी मैं निकाल करके थाली में रख लूंगी। कितना अच्छा लग रहा है देखने में, तो इसी तरह से मैं चल रही हूँ सभी पकौड़ी को बनाने। तो पकौड़ी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है, ये देखिए है ना, इसको बनाना आसान, बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। आपके घर पर अगर कोई रिश्तेदार वगैरह आए हुए हैं तो आप इसको बहुत ही जल्दी से आसानी से बनाकर उनको खिला सकते हैं। इसको आप चाय के साथ या फिर सॉस के साथ नाश्ते में बहुत ही अच्छी तरह से खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट आती है और बहुत ही अच्छा आता है खाने में इसको। तो इस तरह से अगर आप लोग बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। कि जो हमारी रेसिपी थी वो थी सूजी से बनी हुई पकौड़ी। तो आशा करती हूँ कि आज की हमारी रेसिपी आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा दोस्तों तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा और दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा, और आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों ने हमारा वीडियो लास्ट तक देखा उसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग हमारे वीडियो में अगर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारी रेसिपी कैसी बनी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारी ये रेसिपी कैसी बनी हुई है। तो मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में एक अच्छी और टेस्टी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।